गुजरात के साबरकांठा जिले में स्थित साबर डेयरी आज देश की अग्रणी डेयरी के रूप में जानी जाती है। वर्ष 1964 में श्री भूरा भाई पटेल, श्री गोपाल भाई पटेल और श्री अंबू भाई पटेल तथा डॉक्टर बी कुरियन के अथक प्रयासों से सिर्फ 19 दुग्ध उत्पादक सोसाइटी से शुरू साबर डेयरी से आज जुड़े हैं करीब 1800 सोसाइटीज के लाखों दूध उत्पादक किसान। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में तथा डबल इंजन सरकार के द्वारा मजबूत डेयरी सेक्टर के लिए उठाए गए कदमों से और साबर डेयरी व अमूल संस्थान के उच्च प्रबंधन से साबरकांठा जिले के लाखों किसान लिख रहे हैं तरक्की और आत्मनिर्भरता की कहानियां। किसानों और पशुपालकों के लिए अवसरों के नए द्वार खोलती साबर डेयरी आज गुजरात के अलावा देश के कई अन्य राज्यों में आधुनिक डेयरी प्लांट स्थापित कर चुकी है और लगातार नए उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु नए प्लांट स्थापित करने की ओर अग्रसर है। लाखों लोगों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाती साबर डेयरी आज देश की तेज विकास यात्रा की अहम भागीदार के रूप में गर्व महसूस करती है। साबर डेयरी और अमूल के ग्रामीण विकास के प्रयासों के केंद्र में हमेशा रहा है लाखों महिलाओं का सशक्तिकरण। गांव-गांव आधुनिक डेयरी की तकनीक को पहुंचाकर महिलाओं को विकास यात्रा से जोड़ने के कार्य में डेयरी हमेशा आगे रही है और भविष्य में भी इन्हीं लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रही है। आज साबर डेयरी के नए प्लांट्स का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से हो रहा है। इसके लिए साबर डेयरी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करती है।